खुशियों का विशाल संगम होने वाला था और हमारे कमल अंकल ने इसे बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया। जरा कमल जी अग्रवाल जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजे, क्योंकि उमा लहरी जी को हमारे कमल अंकल ने ही बुलाया है। जरा जोरदार तालियां कमल अंकल के लिए। आइए दरबार में उमा लहरी, जयपुर राजस्थान से। बड़ा भाई की लखदा तार की हारे के सहारे की पुलतच्चे दरबार की खाटू नरेश के श्याम प्यारे के शीश के दानी के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बीच में काफी जगह है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं मैं उनसे कहूंगी नीचे आके बैठे, आनंद आएगा। और अगर पाँव नहीं काम कर रहे हैं तो बैठे रहे, बाकी थोड़ा थोड़ा आगे आइए।
ये जो जगह है इसे थोड़ा सा भर दीजिए। सभी प्रेमियों से निवेदन है, पीछे बहुत लोग खड़े हैं, आप लोग दरवाजा जो रोक के खड़े हैं वो लोग इधर आके बैठिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत जगह, बहुत प्रेमियों को बैठने को मिलेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो वो ये यहाँ पर सर आप लोग निवेदन है, आप सभी से आप इधर आ जाइए। ये दरवाजे पे क्यों खड़े हैं आप लोग, जाने आने का एक ही रास्ता है, कृपया वहां से हट जाएं। यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, आगे आ जाएं, वो दरवाजा पूरा क्लीन कीजिए प्लीज। जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, लख दातार की। अगर ऐसी जयकार लगाओगे तो 97 वाली बात अधूरी रह जाएगी। 97 में आप सभी के बीच में आई थी और जब इतनी सी थी तब आपकी जयकार इतनी तेज थी, आज तो और तेज होनी चाहिए। तेरा दोनों हाथ उठा के ऐसी जयकार लगाना कि मेरे बाबा श्याम के चरणों तक आपकी आवाज जाए। और बाबा यहाँ विराजमान है ही, आप सब पर अपना आशीर्वाद कृपा बरसाए। दोनों हाथ खोल के जितनी जोर से लगा सकते हो, कोला वाली जयकार लगे, पूरे पूरे लंबे हाथ खोल के बोले हरे के सहारे की, बोलो तीन बाणधारी की, श्याम दातार की, शीश के दानी की। आइए ज्यादा समय कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि बहुत लेट हो गया पहले और बहुत सारे भक्त जा चुके हैं ये सोच के कि बहुत देर हो गई, लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगी। आज की रात बाबा के नाम जिसने की है, 365 दिन में से एक दिन अगर सच्चे मन से बाबा के कीर्तन में निकाल दो तो 364 की पूरी तरह गारंटी हो जाती है कि बाबा आप पर कृपा बरसा के रखेंगे। आपकी तकलीफ आने से पहले मेरा बाबा आएगा, ये गारंटी वो लेता है, लेकिन एक रात तो देनी पड़ती है उसे भी। आज कौन कौन तैयार है बाबा के दरबार में बताओ, आज की रात बाबा को देने को कौन तैयार है? बोलो लख दातार की, हिलना नहीं है जब तक बाबा का भजन ना हो। आज आप देके जाओगे समय और वो फिर आपके लिए 364 दिन समय निकाल के रहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी तकलीफ में है, मुझे उसके साथ रहना है। बोलो शीश के दानी की। आई शुरुआत एक बहुत ही सुंदर भजन हमारे बीच परम आदरणीय श्याम सिंह जी चौहान विराजमान है, मेरा सादर प्रणाम उनके चरणों में और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए। सबसे पहली अर्ज बोले शीश के दानी की, इजाजत सभी करा। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है आपसे कुछ भी शुरू करने से पहले, कितने लोग हैं जिनकी किस्मत बाबा के दरबार से बनी है? मेरे पास बोले खाटू नरेश की बहुत प्रेमी मिलते हैं और सब ये कहते हैं कि बाबा के दरबार आए तो ऐसा हो गया, मैं पहले ऐसे था, बाबा ने मेरा काम बंद हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था, बाबा ने हाथ जब से पकड़ा फिर से वारे न्यारे हो गए। न जाने कैसी कैसी कहानियां हैं भक्तों की जो बाबा के दरबार आते हैं। बस एक ही बात कहूंगी, जो इसके चरणों में आ गया इसका सच्चा दरबार है और जिसने सच्चे मन से ध्याया उसका बेड़ा पार है। तो आइए अर्जी लगाएं सभी मिलकर के, बोली लख दातार की। देर ना निर्विघ्नं कुरु मे देवा
सर्वकारेषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मा ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सहारे की। देखो जिसकी बिगड़ी बात बनी है वो गाना, जिसकी नहीं बनी है वो भी गाना, क्यों? दोनों वजह के। जिसकी बन गई वो इसलिए गाना कि बाबा का शुक्रिया अदा करना है, और जिसकी नहीं बनी वो अपनी भक्ति में इतनी ताकत पैदा करो कि बाबा देने को मजबूर हो जाए। बोलो लख दातार की। फसी भवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फसी भवर में तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फसी भवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। आता है मुसीबत का वक्त तो सबके दरवाजे, तो बाबा पर किस किस को भरोसा है वो हाथ उठाना, जिसे भरोसा है वही उठाना, जिसको नहीं वो मत उठाना क्योंकि बेकार जाएंगे। दोनों हाथ उठा के एक साथ ताली बजा के गाना। फसी भवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। फसी भवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फसी भवर में थी मेरी नैया, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल
कीर्तन हो रहा है। वैसे मेरे घर में भी बाबा की ज्योत जले। कौन कौन चाहते हैं एक साथ ताली बजा करके बोलो। ओ सजाऊं तुझको निहार तुझको सजाऊं तुझको निहार तुझको सजाऊं तुझको निहार तुझको तुझको निहार तुझको पखार चरणों को शाम तेरे पखार चरणों को शाम तेरे मैं नाचूं करके मोर बाबा 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 ये भावनाएं बचल पड़ी है कश्मीर भवानी मेरी मेरी नैया चढ़ाई तूने तो चल पड़ी है कश्मीर भवानी मेरी मेरी नैया चढ़ाई तूने तो चल पड़ी है। आज एक चीज मांगो बाबा से मांगना चाहती हूं। नया साल शुरू हो गया है। कौन कौन चाहती बाबा से मेरा ऐसा संबंध बन जाए जब जब मैं बाबा को याद करूं तो बाबा मेरे सामने आ जाए। जो जो चाहते ठाकुर जी मेरे साथ रहे। करूं याद जब भी गाने को नहीं हो रहा। तेरा दोनों हाथ खोल के ताली बजा करके एक दो तीन ये और खाटू नरेश की आवाज आनी चाहिए। हंसे या कुछ भी कहे जमाना 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 जो रूठे तो कोई गम नहीं है जो रूठे तो कोई गम नहीं है मगर जो रूठा तो लहरी मुझसे मगर जो रूठा तो लहरी मुझसे बहेगी अश्कों की ये झड़ी है हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी हंसी भंवर में थी मेरी नैया कितने प्रेमी बैठे हैं जो अपनी नाव को बाबा के हवाले करना चाहते हैं जो चाहते हैं मेरी नाव बाबा के हवाले बाबा तू जाने तेरो काम जाने उठा के दोनों हाथों को सारे बोलना फसी भवन में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी साउंड वाले भैया से फिर से एक बार लास्ट रिक्वेस्ट है मॉनिटर्स में रिदम दे दीजिए तो अच्छा लगेगा गाने में दूसरे से भेज रहे सिर्फ चांटी बजाओ
थोड़ा बढ़ाइए, ढोलक बढ़ा दीजिए। बोलो खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। भाई जोरदार जयकार लगाओ, ऐसी जयकार, ऐसी सुस्ती वाली जयकार लगाओगे जैसे व्रत में लगाते हैं ना लोग, तो व्रत वाली जयकार नहीं, खाए पिए वाली जयकार लगाओ। बोलो खाटू नरेश की, शीश के दाने की, सच्चे दरबार की। जो मंदिर के प्रांगण में खड़े उनकी भी जयकार लगे। बोलो लख दातार की। आइए थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा आनंद, थोड़ी सी अर्जी, ऐसे ही बाबा के चरणों में चलेगा। तो आइए एक पुराना भजन पहले, उसके बाद में कुछ नई रचनाएं। मुझे आज 97 का वीडियो देखकर ऐसा लगा, बाबा मैंने इतना नहीं मांगा था जितना तूने मुझे दे दिया, इस लायक मैं नहीं था फिर भी तूने खूब दिया, ये तो प्रेम है तेरा। कौन कौन मानते जो भी हम इसकी कृपा से, गाइएगा मेरे साथ। बोलो शीश के दाने की। सोचना कभी था ऐसा तूने वो दिया है रे, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है रे, इन सब भक्तों का, इन सब भक्तों का प्यार मिला है किसके पीछे, ओ पापा तेरे पीछे। इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे, ओ पापा तेरे पीछे। बोलो बोलो। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ पापा तेरे पीछे। आज ऐसी ताली बजाओ, ऐसा नाचो, ऐसा गाओ। खाटू से हमारे हमारे श्याम सिंह जी भैया आए हुए, उन्हें भी लगना चाहिए अकोला जैसे प्रेमी मैंने कहीं नहीं देखे। उठाओ जरा लंबे लंबे हाथ जिन्हें बाबा से मिला है, एकदम सीधे सीधे, किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ये लंबे लंबे हाथ। भैया आज आप कंजूसी करोगे तो वो भी करेगा कंजूसी। आज दो घंटे भूल जाओ कि हम कहाँ हैं, सिर्फ बाबा के सामने उठा के हाथ को एक साथ। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, Oh,
अब ना बीते वो भंडार मिला है किसके पीछे जिन्होंने इतने सालों पहले भी बाबा की जोत जलाई थी अकोला में और आज फिर से उनके आशीर्वाद से फिर से बाबा के दरबार में मुझे हाजिरी लगाने को मिली है, फिर से अकोला आने को मिला है। कितने लोग जो बाबा से प्रेम करते हैं, सच बताना किस किस को प्रेम है खाटू वाले से, जो बाबा का दीवाना है, दोनों हाथ खड़े करके भूल के सब कुछ नाच के गाओ, मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे। खाटू धाम से आए हैं महाराज जी और कितने प्रेमी हैं जो यहाँ आए, सब अलग अलग जगह हैं, लेकिन जहाँ श्याम प्रेमी है वहाँ श्याम परिवार अपने आप ही बन जाता है। बोलो हारे के सहारे की। और मेरे इस श्याम परिवार के सदस्य कौन कौन है, बाबा श्याम के इस परिवार के सदस्य कौन कौन है, जरा हाथ उठाए सारे मेंबर, जो जो इस परिवार के सदस्य जो प्रांगण में बैठे, जो बाबा के दरबार में इस परिवार के सदस्य, लंबे लंबे हाथ उठा करके, लहरी प्यारा ये घर बार मिला है किसके पीछे। दूसरी माँ भगवती रानी सती दादी और तीसरे बाबा श्याम, तीनों शक्तियां हैं। तो आज इस प्रांगण में सबको हमें बुलाना है, कोई रह नहीं जाए। माइनर कॉर्ड, कितने लोग हैं जो वृंदावन माँ के भी हरिलाल के गए हैं, दोनों हाथ उठा के राधे रानी को भी बुला लीजिए, पूरे पूरे लंबे हाथ उठा के। जहां विराजे राधे रानी,
पसंद जो बैठे उनको नहीं है। मालूम है नहीं, खड़े होने के लिए नहीं बोला, खड़े मत हो, बैठ जाओ, लेकिन हाथ खुला होना चाहिए। जब उसकी कृपा हो आप पे तो आपको मिल जाए। दोनों हाथ खोल के बोलो एक साथ, राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, जो खड़े हो बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बैठ जाओ और बोलो लखदातार की। डॉक्टर साहब आपकी बार तो मैं नहीं आ रही, लेकिन अगली बार जरूर आपके यहाँ बाबा के कीर्तन में आएंगे। बोलो श्याम प्यारे की, सच्चे दरबार की। आइए मारवाड़ी कितने वजन सुनना चाहते हैं भैया? क्यों जो जैसा था वही रहने दो भैया, गूंज मत बढ़ाओ। बोलो लखदातार की, हारे के सहारे की, शाम प्यारे की। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ सारे जितने भक्त बैठे हैं, ये विश्वास किस किस को है कि मैं नहीं आया उसने मुझे बुलाया है? भरोसा? बोलो शाम प्यारे की। क्योंकि ये हमारी औकात नहीं कि हम कीर्तन करा सके, ये हमारी औकात नहीं कि हम बाबा को बुला सके, बस अर्जी लगा सकते हैं। बुलाना भी उसके काम है और कराना भी हाँ उसके हाथ है। तो ये बड़ा प्यारा भजन है, जरा सारे मिलके गाएं मेरे साथ। स्किल खींची डोरी बाबो यो गले लगावे है, खींची डोरी बाबो यो गले लगावे है। दूर दराज में बैठे प्रेमी जिन्हें श्याम बाबा का नाम तक नहीं पता था, आज हिंदुस्तान नहीं बाहर भी बाबा के नाम की ज्योत जल रही है। कलयुग का देवता है, कलयुग में जिस जिसने नाम लिया बाबा का उसका बेड़ा पार हो गया। और इन्हें वरदान है ठाकुर जी का, श्री कृष्ण भगवान का वरदान मिला है, जो सच्चे मन से श्याम नाम गाएगा, जो मांगेगा वो पाएगा। खींचे डोरी बाबो यो गले लगावे है, खींचे डोरी बाबो यो गले लगावे है। भोला भक्ता ने तो मेरो श्याम बुलावे है, भोला भक्ता ने तो 97 में ज्योत जलाई थी हमारे कमल बाबू ने और हमारी सरोज आंटी ने, आज फिर से बाबा का वही आलम देखने को मिल रहा है। ये प्रेमी इसीलिए तो वे, एक प्रेमी ने ज्योत जलाई, इतने प्रेमी इकट्ठे हो गए। किस किस को लगता है आज बाबा ने बुलाया, वो हाथ उठाना और सारे मिलके बोलना, भोला भगता ने तो मेरे शाम बुलावे, भोला भगता ने तो। Thank you.
दरकार है भक्ति की शक्ति यो देवे है, 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 खुशियां बांटे बाबो दुखड़ा हर लेवे है, खुशियां बांटे बाबो जो दुखड़ा हर लेवे है, खाटू में भीड़ घनी बढ़ती ही जावे है, खाटू में भीड़ घनी बढ़ती ही जावे है, ऐसा लखदा तार है जो आता है इसके दरबार में उसका लख देखकर उसके वारे नारे कर देता है, बोले लखदा तार की, खाटू में भीड़ घनी बढ़ती ही जावे है, बाबा ने आपको बुलाया किसी के माध्यम से, एक बार हम गए पड़ोसी के कहने से और दोबारा बाबा ऐसी हालत कर देता है, हम खुद पूछते हैं भाई कब जाएगा खाटू, बोलो खाटू नरेश की, तो कितने प्रेमी हैं जो इसके चमत्कार को मानते हैं, इसकी महिमा को मानते हैं, दोनों हाथ खोल के सारे मिलके भोला भगता ने तो मेरे शाम बुलावे जो अरे बैठ जाइए, नहीं 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 बैठ जाइए, मैं इसलिए नहीं आई बीच में, देखने आई हूँ किस किस की नौकरी पक्की होने वाली है, मैं देखने आई हूँ कौन कौन चाहते हैं बाबा के दरबार की नौकरी, उधर से जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, वो क्या रखा है छोटी दुनियादारी में, तो
बिजनेस करोगे तो नुकसान का डर रहेगा, लेकिन जिसने इसके दरबार की नौकरी की उसे कोई डर नहीं सता सकता। जो चाहते हैं नौकरी, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए एक साथ, एक दो तीन चार। लहरी हिवड़ा में यो के हुक उठावे है, लहरी हिवड़ा में यो के हुक उठावे है, चढ़के ना उतरे वो यो रंग चढ़ावे है, चढ़के ना उतरे वो यो रंग चढ़ावे है। और पीढ़िया 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 मौजा मांडे इतनो बरसावे है, पीढ़िया के बच्चों को नहीं, बच्चों के बच्चों को भी बाबा संभालेगा अपने खाटू नरेश की। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सरोज आंटी, हमारे कमल बाबू अंकल। मैं इतनी सी थी तब आई थी, और उस वक्त पूरी रात ये ज्योत पे बैठे थे। इनके सारे बच्चे मेरे जैसे ही छोटे छोटे थे, अब सब बड़े बड़े हो गए। और पीढ़िया मौज कर रही है बाबा की कृपा से, पीढ़िया मौजा माने इतनो बरसावे है, पीढ़िया मौजा माने इतनो बरसावे है। कौन कौन चाहते नाती पोतों के साथ बाबा के दरबार आना, जो आना चाहते उठाओ लंबे लंबे हाथों पर एक साथ, भोला भक्ता ने तो मेरे श्याम बुलावे है, भोला भक्ता ने तो मेरे श्याम बुलावे है, भोला भक्ता ने तो अभी हाल ही में मेरा एक भजन रिलीज हुआ था, दुनिया ने दिल दुखाया गोविंद काम आया, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, और जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं। बोलो लखदातार की। मैं हमारे सरोज आंटी जी को बुलाना चाहूंगी एक बार मंच पे, वो आए, और मंडल के कार्यकर्ताओं से और मेंबर्स जो है उनसे निवेदन करूंगी कि उनका एक बार सम्मान करें यहाँ ऐसे प्रेमी बाबा के। अभी अभी भागवत कराई है इन्होंने, और अभी बाबा का कीर्तन में भी इस तरह हर जगह बढ़ चढ़ के योगदान।
मैं नारी शक्ति का सम्मान करवाना चाहूंगी हमारे सरोज आंटी जी का, कि वो आए एक बार और उनका सम्मान मंडल के कार्यकर्ता लोग करें, जितनी माताएं बहने सब आकर के उन्हें सम्मानित करें यहाँ बाबा के चरणों में। बोलो खाटू नरेश की। या रामदेव जी के कितने भक्त बैठे, हाँ सारे बैठे, वो भी सुनाएंगे। बोलो खाटू नरेश की। आई ढाई ई ढाई ई। आइए भजन से पहले हमारे सरोज आंटी जी का सम्मान, सारी मंडल की कार्यकर्ताओं से निवेदन है आए और माल्यार्पण करके इनके आशीर्वाद से ही देख लो, छोटी सी थी तब इनका आशीर्वाद लिया और आज बाबा की कृपा बरस रही है, बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। बोलो खाटू नरेश की। ज़्यादा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो। बोलो श्याम प्यारे की। एक बार सभी बैठे, स्वागत सम्मान हो गया। आइए बहुत प्यारी रचना, देखिए हाँ हुल्लड़ तो मचता ही रहता है, लेकिन सिर्फ हाँ हुल्लड़ करके नहीं जाना, कुछ ऐसे भजन जो आपके अंतर आत्मा तक पहुंचे और आप बाबा को अपनी अर्जी लगा सके। उस वक्त को याद करना जब सारे रिश्तेदार साथ छोड़ के चले गए। थोड़ी शांति बनाएं और सुने और गाएं मेरे साथ। देखिए हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते, खून के रिश्ते भी पराये हो जाते, बच्चे माँ बाप मानने से मना कर देते, ऐसा वक्त भी आता है। लेकिन उस वक्त कौन काम आता है, ठाकुर जी, जिन्होंने उसका भजन गाया है वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि जब जब अकेला और मुसीबत में पाते ठाकुर उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक प्रेमी ने बाबा से सवाल किया, एक प्रेमी ने बाबा से सवाल किया कि ठाकुर जी जब मैं चलता था, जब मेरे सुख के दिन थे, जब मेरी खुशियों के दिन थे, मैं जब चलता था तो मुझे चार पैरों की परछाई नजर आती थी, दो मेरे और दो आपके। सुनना गौर से। भक्त ने कहा बाबा से, बाबा जब मेरे सुख के दिन थे तो मैं चलता था तो चार पैरों की परछाई नजर आती थी, दो मेरे और दो आपके, लेकिन जब दुख आया तो सिर्फ दो ही रह गए बाबा, सिर्फ मेरे पैरों की परछाई नजर आई, तू मेरे साथ नहीं था। बाबा ने कहा सुन नादान, जब सुख था तो मैं तेरे पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुख आया मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया, और जो दो पैर नजर आ रहे थे वो तेरे नहीं मेरे थे। बोलो खाटू नरेश की। हारे के सहारे की, तीन बाण धारी की। दुनिया ने दिल दुखाया, गोविंद काम आया। दुनिया ने दिल दुखाया, गोविंद काम आया। आंसू न रोक पाया, आंसू न रोक पाया, आंसू भरोसा होता है ना, जो जगह जगह नहीं जाता उसकी ये सुनता है, उसे मालूम होता है ये सिर्फ मेरा है और मेरे पास ही आएगा, इसलिए इसकी नाव मुझे ही पार करनी है। लेकिन जो इंसान 10 जगह घूमता है ना, उसकी सांवरिया नहीं सुनता, ये भी सोचता है जाके आने दो शायद काम बन जाए इसका। लेकिन जो अपना ईष्ट एक रखते, हम सबको मानते, सबके आगे सिर झुकाते, लेकिन हमारा ईष्ट देवता एक ही होता है,
और जो जो बाबा के प्रेमी है, जो ठाकुर के प्रेमी है, वो हाथ उठा के बताएं एक बार, अपनी अर्जी जरूर लगाएं, क्योंकि ये भजन जिसने गाया होगा उसके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, ये सोच के दोनों हाथ खोल के। एक दो तीन चार, शोहरत होगी तो दुनिया पास होगी, और जैसे ही संकट के बादल आएंगे ये भी सब छट जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जिसने उसका नाम गाया उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। आज किस किस को भरोसा है भगवान के नाम पर, गोविंद के नाम पर, वो हाथ उठाए। श्रीमन नारायण नारायण सबसे ज्यादा जरूरी है इसका नाम। हाथ खोलो ना, मीठी मीठी ताली बजा के। और सावरे दयालु मेरी बाह थाम रहना, और सावरे दयालु बोलो बोलो मेरी बाह थाम रहना, और सावरे दयालु मेरी बाह थाम रहना, और सावरे दयालु मेरी बाह थाम रहना। और बाबा जो चाहते हैं ठाकुर जी मेरे सारे पाप धो दे, अपने चरणों में ले ले, दोनों हाथ उठा करके सारे मिलके बोलिएगा, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण।
सेवा, 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 बाबा का साथ। अब सुनना मेरी बात, बाबा ये डगर तेरी न छोड़ू, बाधाएं कुछ भी आए, ये डगर तेरी न छोड़ू, बाधाएं कुछ भी आए। मैं क्या मांगूंगी मैं बताती हूँ आपको, मेरे प्राण जब भी जाए तो बस इतनी कृपा करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो, ओ मेरा सावरा निकट हो, जब छवि मन में वो बसी हो, जब प्राण तन से निकले, और अकेले मत आना इतना ठाकुर जी, अकेले मत आना, हे नाथ जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, ओ मेरी राधे जी को लाना, जब प्राण तन से निकले, श्री मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण रोते हुए
नहीं जाऊं, आखिरी सांस निकले तो कोई दर्द ना हो, बस इतना हो। मधुबनी सा खिलखिलाया, मधुबनी सा खिलखिलाया, किसको भरोसा, खुद की सेवा पे कि ठाकुर जी मान जाएंगे। अरे करके तो देखो, आपकी सेवा में भी वो चमत्कार पैदा करेगा। जिसे भरोसा है मेरे सांवरिया आएंगे, वो उठाना दोनों हाथ कि हर पल मेरा साथ निभाने को मेरा ठाकुर है तैयार। ये दोनों हाथ उठा करके एक साथ, दुनिया ने दिल दुखाया, श्री मन्नारायण नारायण सहारे की। ये भजन किस किस को अच्छा लगा? बोलो लख दातार की, शाम प्यारे की। आपको पता है जो लोग खाटू जाते हैं ना, जैसे हमारे पुरुषोत्तम जी बाऊ जी, ये हर ग्यारस पे खाटू होते हैं। मुझे इतनी सीधी तब से देख रहे हो, ये इतना भी चेंज नहीं हुई। बाबा ने इतनी कृपा कर रखी है, और मैं हाँ बाबा से ये अर्जी लगाती हूँ आज कि मैं जब तक रहूं तब तक आपको देखती रहूं। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, ऐसे प्रेमी होते हैं दरबार में तो आनंद आता है, उनके आशीर्वाद से ही काम चलता है। हेलो हेलो, बाबा से आज एक बात कही। ये वो प्रेमी हैं जैसे कमल बाबूजी हुए, पुरुषोत्तम जी बाबूजी हुए, ये सब वो प्रेमी हैं जो बाबा से ऐसे जुड़ गए कि इनकी हर सांस में बाबा का नाम निकलता है। सांस बाद में आती है, पहले बाबा का नाम आता है। और ऐसे प्रेमी बाबा के बिना नहीं रह सकते। एक रात कीर्तन में जाने को नहीं मिले ना, तो मन में अजीब सा होने लगता है। एक ग्यारस छूट जाए ना बाबा की, तो मन ऊपर नीचे हो जाता है, क्या करें, किधर जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। फागण की ग्यारस पे तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन हर ग्यारस पे जाने वाला प्रेमी जब एक ग्यारस खाटू में नहीं होता, तो उसका दिल इधर उधर होता है। करोड़पति लोगों की भी बात कर रहे हो, जिसके पास कोई कमी नहीं है, उसको भी अपने घर में खाना नहीं भाता जब उसको ठाकुर जी की ग्यारस पे जाना नहीं होता। बोलो श्याम प्यारे की। आई जिन्हें बाबा की याद आती है वो गाना, जिनको नहीं आती वो मत गाना। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बोलो खाटू नरेश की। हेलो बोली श्याम प्यारे की। एक छोटा सा निवेदन है, जो लोग भोजन ले रहे हैं उनसे निवेदन है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन की व्यवस्था समुचित शुरू हो चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं है। भोजन 11 बजे तक हम लोग शुरू रख रहे हैं। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, फिर भोजन। बिल्कुल, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ करूँ। और जितने सच्चे दरबार की, और हमारे साउंड वाले भैया से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो दोनों ये जो माइक है, एक ये और एक हमारे भैया का, इसका बेस कम करना है, थोड़ा करिए इसको। एक मिनट आप बताइए इनको क्या करना है। हेलो, जय हो।
बोले श्याम प्यारे की जय हो। हेलो भैया, बेस कम करो। हेलो हेलो आइए जितने प्रेमी जो बाबा के दरबार बैठे हैं, जिन जिन को बाबा की याद आती है वो गाना। ये प्रेमी का ना प्रेम है जो छूटता नहीं बाबा से। कहता है क्या, नैना ने सूरतिया तेरी, नैना ने सूरतिया तेरी बहुत सतावे रे, ओलियो आवे रे शाम थारी, ओलियो आवे रे, ओलियो आवे रे शाम थारी, ओलियो आवे रे। इतनी याद आती है बाबा, इतनी याद आती है कि ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना कुछ खाने को भाता है, सिर्फ आप ही आप दिखाई देते हो। फागड़ में 5 दिन खाटू में बिताने के बाद जब प्रेमी घर में आता है ना, तो वो रंग, वो उत्सव, वो धमाल, वो बाबा के भजन ऐसे घूमते रहते हैं, उसे घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। किस किस को आती है बाबा की याद, जरा बताओ, सच्चे मन से बताना, जिसको बाबा की याद आती है, और दोनों हाथ खोल के गाना। जादू रे तेरो के लागू रे, ओ भाड़ा
महाभारत में जब कृष्ण भगवान ने कहा ताली बजाओ जो मिट्टी मिट्टी बस्ती रहनी चाहिए, कुंती ने भगवान से जब मांगने की बारी आई तो पता है क्या मांगा? लोग सुख मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, लेकिन कुंती ने मांगा प्रभु जी मुझे दुख देना। क्या देना? दुख देना। ठाकुर जी ने कहा माँ आप क्या मांग रहे हो? दुख दुख कौन मांगता है भला? सुख मांगते हैं सब, सब वैभव मांगते हैं, शौहरत मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, आप दुख मांग रहे हो। तो कुंती ने कहा देखो कृष्णा, दो तो दुखी दो वरना कुछ मत दो। क्यों? क्योंकि सुख में तो सब सुमिरन, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता लेकिन दुख में सब सुमिरन करते, और जो दुख की पुकार होती है वो सीधी तुझ तक जाती है और तू भाग के आता है। इसलिए दुख देना ताकि मैं हर पल तुझे याद करती रहूं, कभी ना भूलूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी ना भूलूं रे ये तेरी ओड़ियों रे, जानते खाटू से जब 5 दिन बिता के आते हैं फागन में तो लोग रोने लगते हैं बाबा के दरबार से आते हैं, आंखें भर आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा को छोड़ के जा रहे हैं, बाबा पता नहीं फिर कब दर्शन होगा तेरा। और ये भाव किस किस का है कि ठाकुर जी आपकी याद आती है, जल्दी से खाटू बुलाओ और बुलाते रहो, दर्शन देते रहो, यही ख्वाहिश है। कौन कौन चाहता है इसका दर्शन होता रहे? एक साथ बोलना पे। जो लोग मंदिर में कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी अपने दोनों हाथ खोलिएगा, ठाकुर जी के बिल्कुल पास बैठे हो। लगन तुम से दिखता नहीं। हाँ, जब ऐसा माहौल आए तभी खड़े हो ताकि सबको आनंद मिलता रहे।
सुना रहे बिल्कुल बोलो खाटू नरेश की बहुत सारी फरमाइशें मैं धीरे धीरे एक एक पूरी करूंगी। एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ, ऐसे भजन कोई नहीं सुनाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, सच बोल रही हूँ। सुनोगे तो आनंद आएगा। एक एक रचना अपने आप में बहुत कीमती है। बोलो खाटू नरेश की। भैया ये पटाखे बंद कर दो आतिशबाजी। अच्छा चालू रहेगा ये, इतनी खुशी है। शिवम भाई कितने बड़भागी हम लोग, हमें बाबा का दरबार मिला है। हमारी कुछ औकात नहीं लेकिन बाबा ने ऐसा बना रखा है। हम लोग आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं आप लोगों के प्रेम के लिए। आप लोगों ने जो प्रेम दे रखा है प्रेमियों को, कमाल है। बोलो श्याम प्यारे की। बोलो श्याम प्यारे की। एक छोटी सी बात सुना रही हूँ, सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। हमारे पुरुषोत्तम जी बाबू जी, इनके कितनी बेटियां? तीन बेटियां हैं। कितनी बेटियां आपकी? तीन बेटी है ना? हाँ, ये बहुत किस्मत वाले, इनको तीन बेटियां हैं। आप जानते हैं तीनों एक से बढ़कर एक है, कमाल की। कोई ऑफिसर है, कोई किस रैंक पे, कोई किस रैंक में। मैं आपको एक बात सुना रही हूँ, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। खाटू नरेश की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे, थोड़ा सा गौर करेंगे, इन पे ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा। वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे, उनके तीन बेटे थे, तीन बहुएं। पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। एक रोज एक महात्मा जी वृंदावन बरसाने में आए, बरसाने में रहते थे सेठ जी। बरसाने में एक महात्मा जी आए, सेठ जी का बहुत नाम था बरसाने में। जब महात्मा जी आए तो सबसे पहले उन्हीं के घर आए, उन्हें बिठाया, भोजन कराया, प्रसादी करवाई। जब महात्मा जी जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। महात्मा जी ने जब उन्हें देखा तो सवाल किया कि तुम्हें इतना वैभव, इतनी शोहरत, इतना भला पूरा परिवार है, किस बात की कमी है कि तुम्हारे चेहरे पर एक मायूसी सी है? ऐसा लगता है जैसे कोई चाह बाकी रह गई। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, मेरे तीन बेटे, तीन बहुएं हैं, पत्नी स्वर्गवासी हो गई। अगर मेरी एक खुद की बेटी होती तो मेरे जीवन में आनंद हो जाता। वो आती मुझे पूछती, बाबा कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो बेटी की तो बात ही अलग है। ये भाव जब सेठ जी का निकला तो महाराज जी ने थोड़ी देर सोचा और सोच के जवाब दिया, अरे बरसाने में रहते हो और बेटी की बात कह रहे हो, क्यों ना राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लो, जो जगत जननी है, राधा जिनके पीछे ठाकुर भी दीवाने, क्यों ना उन्हीं को अपनी बेटी मान लो। तो सेठ जी को ये विचार अच्छा लगा, उन्होंने एक बड़ी सी तस्वीर बनवाई राधा रानी की और अपने कमरे में लगवा ली। सुनिएगा बहुत प्यारी बात, राधा रानी की तस्वीर अपने कमरे में लगवाई। अब सेठ जी उठते तो प्रणाम करते, खाते तो पहले राधा रानी को भोग लगाते, पानी पीते तो उन्हें पिलाते, कहीं जाते तो कह के जाते बेटी मैं जा रहा हूं, और आते तो कहते बेटी मैं आ गया। ऐसे चलने लगा। एक रोज सेठ जी के घर एक मनिहारिन आई जो हर साल आती थी बहुओं को चूड़ी पहनाने। अब की बार जब आई तो पहली बहू घूंघट में आई, उसे चूड़ी पहनाई, वो गई। दूसरी आई, फिर उसको पहनाई, वो गई। तीसरी आई, तीसरी को पहनाई, और मनिहारिन ने पोटली वापस बांधनी शुरू ही की थी कि चौथा हाथ आगे आ गया। चौथा हाथ आगे आया तो मनिहारिन ने सोचा कि घर में तो तीन ही औरतें हैं, आया होगा कोई मेहमान, ये सोचकर मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। अब पोटली बांध के मोल मांगने गई सेठ जी की दुकान पे।
अब की बार ज्यादा मोल था क्योंकि चार जनों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी से जाके मोल मांगा तो सेठ जी ने सवाल किया, क्यों भाई अब की बार मोल बढ़ा दिया? तो मनिहारिन ने कहा, सेठ जी गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ, मोल नहीं बढ़ाया, अब की बार मैंने चार को चूड़ी पहनाई, हर बार तीन पहनती है। सेठ जी दंग रह गए, कहने लगे चार तो कोई है ही नहीं घर में, मेरी पत्नी तो कब की स्वर्गवासी होगी, और मेरी तो तीन ही बहुएं हैं और कोई घर में आसपास कोई महिला भी नहीं आई है, तू झूठ बोल रही है। लेकिन मनिहारिन ने हाथ जोड़े, खूब मिन्नतें की कि सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रही, इतना ही मोल लूंगी, और बिना मोल लिए चली गई। सेठ जी जिद पर अड़े रहे, मनिहारिन ऐसे ही चली गई। जब रात को सेठ जी घर आए, सबसे सवाल किया कि कोई आया था घर? सबने कहा कोई नहीं आया, हम तो तीन ही थी। सेठ जी प्रसाद लेकर जैसे ही शयन को गए, रात्रि स्वप्न में राधा रानी रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे बेटी तो बना लिया लेकिन बेटी बनाकर बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रह गया, और मुझे चूड़ी पहनाना तुम कैसे भूल गए? मुझे तुमने बेटी बनाया, खाया तो खिलाया, पिया तो पिलाया, सोए तो शयन कराया, तो आज चूड़ी पहनाने की बारी में तुम मेरा नाम कैसे भूल गए? उसी वक्त सेठ जी खड़े हुए और भागते हुए मनिहारिन के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। रात्रि में मनिहारिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चरण पड़ गए कि जिसको मैंने बेटी बनाया मैं उसका दर्शन नहीं कर पाया, तू कितनी बड़भागी की तूने राधा रानी का दर्शन पाया। बोलो राधा रानी की। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा शाम है, शाम ही राधा है, ये भजन मैं ये भजन नहीं गा रही थी, मैं वो भजन गा रही थी जो सेठ जी ने गाया। सेठ जी ने कहा क्या गाया माइनर को, सिर्फ बिना म्यूजिक के सुना रही। बेफिक्र में रहता हूँ जब से, बेफिक्र में रहता हूँ जब से, सब मेरी फिक्र वो रखता है, मैं नींद चैन की सोता हूँ, फिकर मेरे है। कहते लाखों का बिस्तर खरीद सकते हो आप, पर नींद कहां से लाओगी? नहीं मिलेगी, जब तक उसका नाम नहीं लोगे आपको नींद नहीं आने वाली, चैन नहीं आने वाली। वो मनमोहन घन श्याम किशन छलिया उसके है नाम कई, गागर में कई गागर में कई सागर उसके, दिल खोल लुटाया करता है, मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। पानी के लिए सुनना, बहुत अच्छी बात बता रही। हम लोग दान करते ना, 10 जगह अपना नाम लिखवा देते हैं, कोई आता है उसे भी बोलते देखो आज बाबू की आंख को लाग रहे हो, बोले बहुत बढ़िया लाग रहे हो, आपका करवाए श्रृंगार, आदमी चुपता नहीं बोलने से, सही कह रही हूँ? आप इतनी सी सेवा करते हो, इतना नाम लेते हो, मैंने ये किया मैंने ये किया, वो कितनी करता है आपका, लेकिन कभी बोलता है आपसे आकर के मैंने तेरे लिए ये किया? नहीं बोलता। पानी के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, तन मन धन दिए जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का झूठा है, अगर मैं पुष्प चढ़ाऊं तो वो भवरे का झूठा नहीं, कुछ जानता भगवान तुम्हें कैसे नहीं, कुछ जानता भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं
कुछ जानता भगवान, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है, क्या चढ़ाऊं तुमको। तो भगवान कहते नरी झुगान गप्पों से, नरी झुतान तप्पों से, बहा दे प्रेम के आंसू, चला बस वहां पे आऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। पाने के लिए इच्छाए बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, इस मन को तराजू तोलो हरी, इस मन को तराजू तोलो हरी, लहरी ये भटकता रहता है। एक बार बोलो, मैं नींद चैन की सोता हूँ, मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। आइए, अगर उसका एहसान मानते तो एक भजन जरूर गाना मेरे साथ, उसके बाद हम फिर से बाबा के चरणों में मस्ती करेंगे, लेकिन एक भजन उसे गा के बोलिए कि बाबा तूने दिया और तेरा शुक्रिया। बोलो सच्चे दरबार की, हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की। बोलो सच्चे दरबार की, एक बात पूछूं आपसे, बड़ा शांत माहौल है, ऐसे भजन सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मस्ती अपनी जगह, लेकिन ये चीजें भूले नहीं भूलती। बाबा से कहो, बाबा इस लायक में नहीं था बाबा, इस लायक में नहीं था, फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा शाम, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता हो, हंसता गाता खुशी मनाता, इस संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा शाम। सबसे पहला हाथ मेरा है, ये दे रहा है, मैं खा रही हूँ, सच्ची बात है। कौन कौन मानता है ऐसा? नहीं, लंबे लंबे हाथ उठाना और एक साथ ताली बजा के बोलना, एक दो तीन चार।
बढ़ाऊं, जितना मुश्किल लागे वो सहज सभी पा जाऊं, जितना मुश्किल लागे वो सहज सभी पा जाऊं। और बाबा एक समय वो था जब मेरे पास चार पैसे तुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं थे, किसी की गाड़ी में बैठ के मैं गया था, लेकिन बाबा पैदल ही आया था, गाड़ी में मुझे बिठाया, पैदल ही आया था, गाड़ी में मुझे बिठाया, मेरे सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला बनवाया, सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला बनवाया, जिसका कोई से बेटा हो गया, जिसके घर में फूल नहीं खिले थे औलाद का सुख नहीं था उसे औलाद हो गई, बाबा के नाक रगड़ते हुए गए, बाबा तूने सारी दुनिया को दिया है, मेरे आंगन में भी फूल खिला दे, और बाबा ने कृपा कर दी, जा दिया तुझे भी। बोल खाटू नरेश की जय हो। तुझसे दुनिया की नजरों से तुम सबकी रक्षा करना, बोलो दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, कोरस नहीं गाए, आप लोग दोनों हाथ फैलाइए बाबा के आगे और बोलिए सारे मिलकर के, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना अब ओ तूने सिखाया हंसना अब रोने को ना कहना, तूने लहरी मर कर भी ना भूलू, लहरी मर कर भी भूलू, इतना प्यार दिया है,
देश की हारे के सहारे की लखदा तार की फरमाइशे अभी नहीं लाए, मैं एक एक करके सब सुना रही हूँ। हाँ। बोली सच्चे दरबार की मैं हमारे कमल अंकल जी और रामदेव बाबा सेवा समिति, श्याम बाबा सेवा समिति के हमारे ओम अंकल राजू मामा जी और कमल अंकल, इन सभी को मैं बुलाना चाहूँगा कि उमा दीदी का और ऐसी शख्सियत हमारे बीच बैठी है जिन्होंने उमा दीदी को चलना सिखाया है, हमारे बाबूजी श्री चंद्रशेखर लहरी जी, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, आप सभी आ जाएं। एक मिनट, क्योंकि इसके बाद समय नहीं होगा वो हिसाब से, क्योंकि पब्लिक चला जाता है। दीदी सुनिए तो सही, आप पब्लिक कहीं नहीं जाने वाला, आप लोग जा रहे हो? हाँ, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे पक्की बात, लेकिन समय हमें छोड़ के, ये इतने साल बाद आई है, समय हमें छोड़ के जा रहा है दीदी, 10 बजे हमें बन गए, आइए आ जाइए, 10 बजे माफ कीजिएगा, मैं आप सबका बहुत बहुत मान रखता हूँ, लेकिन नहीं आ जाइए, सॉरी, ये स्वागत हो जाए उसके आ जाइए अंकल जी, चलने देंगे अभी, जब आ जाएंगे बंद कराने तब बंद कर देंगे। आपकी बात का मैं मान रखता हूँ, लेकिन हम वो समय नहीं आने देते इस मंदिर में कि वो आए और बंद कराएं, इसलिए बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जय बाबा, आ जाइए। सारी रामदेव बाबा एवं श्याम बाबा सेवा समिति के सभी सदस्यों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए उमा लहरी जी के स्वागत के लिए, और सारे ऐसे उठना नहीं, ऐसे फनकार हमारे बीच बैठे हैं भाई शिवम जी शर्मा, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा दरबार में, आप भी आए, आपका भी स्वागत होने वाला है, आइए। बोलिए सच्चे दरबार की, भव्य विदर्भ त्रिशक्ति महोत्सव में पधारे हमारे बाबूजी श्री चंद्रशेखर लहरी जी के स्वागत के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा कमल अग्रवाल अंकल जी को कि वो आए और बाबूजी श्री चंद्र प्रकाश लहरी जी का स्वागत करें, चंद्रशेखर लहरी जी का स्वागत करें। एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो। अभी अभी मंदिर में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाबा की कृपा से भजन तो लिखे ही हैं, बाबा की कृपा से अभी मेरे पिताजी ने, बाबा श्याम ने लिखवाई है, श्याम 40 लिखी गई है, जो कि आज मंदिर में भी उपलब्ध है कोई भक्त लेना चाहे तो, और इतनी सुंदर 40 लिखी गई है जो उसका पाठ करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं बाबा ने वो 40 लिखवाई है प्रेरणा से, और इतने भजन लिखे हैं, लेकिन ये 40 जो बाबा के दरबार में लिखी गई है अनमोल है, यहाँ पर उपलब्ध है कोई भक्त लेना चाहे तो। हमारे बाबू जी का स्वागत कर रहे हैं, जरा जोरदार तालियां हो जाएं, श्री रामदेव बाबा एवं श्री श्याम बाबा सेवा समिति। देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा, गीत जिस भाव में लिखा जाता है अगर वो ही भाव गायकी में उतर जाए तब वही गीत भगवान का आशीर्वाद बन जाता है, ऐसा तो बहुत कम गायकों के साथ होता है, पर आज श्याम भजन को गाने वाली हस्ती एक अहम शख्सियत हमारे बीच है, क्योंकि इनके पापा ने ही जो चंद्र प्रकाश जी लहरी हैं वही भजन लिखते हैं और आप उन्हीं के भाव के साथ भजन गाती है, इतने जरा जोरदार तालियां, हमारी उमा दीदी का स्वागत सारी श्याम बाबा एवं रामदेव बाबा सेवा समिति कर रही है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, विदर्भ त्रिशक्ति महोत्सव समिति की तरफ से भी आपका स्वागत बाकी है, आइए। हमारे मनोज भैया, मनोज जिया जी और जितने भी ये कुर्ता में जो है ना वो एक बार आ जाएं, है ना, आ जाइए एक बार, सारे कुर्ता वाले भी, जो कुर्ते वाले ऊपर है वो भी कुर्ते वाले ऊपर रहे, आ जाइए। ये तो बाद में भी हो जाता, भजन नहीं होंगे फिर बाद में, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, आओ मनोज भैया आ जाइए, लीजिए आ जाओ, भैया आपने भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए मुझे पता है, व्यवस्था क्या होती है ये आप मुझसे अच्छी तरह समझते हैं। खाटू नरेश की, आइए दरबार में मैं बुलाना चाहूंगा उमा दीदी के साथ पधारे मेरे बड़े बड़े भाई माधव जी शर्मा को, माधव जी शर्मा आ जाएं, मैं हमारे कंवर साहब जो मुंबई से पधारे हैं कुणाल जी खंडेलवाल उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो माधव भैया का स्वागत करें, आ जाइए। आप लोगों ने लेट किया ये बात सही है, उसके बाद में मास्टर सोनू जो हमारे बीच जयपुर से चलकर आए हैं,
उनके स्वागत के लिए मैं दीपक भैया को बुलाने जाऊंगा। दीपक भैया ऊपर आए और हमारे सोनू भैया का स्वागत करें। और आइए अब दरबार में वो शख्सियत, भैया बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज, है ना, गलत मैं भी नहीं हूं ये आप समझते। बार बार हमारे ये शख्सियत जो सुबह 12 बजे से वहां बैठी है उसका स्वागत है, जरा ताली बजा दो भाई। शिवम शर्मा दिल्ली से, ये बात बोल, खाटू नरेश की हारे के सहारे की। हम मैं हमारे डॉक्टर साहब हमारे आइए ना ऊपर शिवम भैया के स्वागत के लिए, क्योंकि ये स्वागत बहुत जरूरी है। एक सूचना मैं भी दे देती हूँ साथ के साथ। देखिए ये मंदिर निर्माण जब हुआ था, होना शुरू हुआ था, तब भी मैं आई थी। आज बाबा के दर्शन करके मन इतना खुश हो गया, क्या बताऊं, ऐसा भव्य धाम यहाँ बन गया। अभी बहुत काम बाकी है, आप लोग दान दाताओं से मेरा निवेदन है, दिल खोल के बाबा ने आपको अगर 100 दिया है तो 1 रुपया इस बाबा के मंदिर में दान जरूर करें, ताकि जो बाकी व्यवस्थाएं बची है वो पूरी हो जाए। जो ट्रस्टी बनना चाहते हैं मंदिर के, वो लोग, उनका स्वागत है, वो लोग बने ट्रस्टी और इस मंदिर को और भव्य रूप दें, ताकि हिंदुस्तान नहीं बाहर भी अकोला का मंदिर बाबा का जाना जाए, अकोला धाम बन जाए। बोलो खाटू नरेश की। अकोला धाम साथ में चल रहा है, सभी सर हमारे जितने भी आदरणीय सिंगर आए थे त्रिशक्ति महोत्सव को, जिन भी भक्तों ने अपना सहकार्य दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्तारो विश्वास किताब की बिक्री बाहर चालू है, बस अब मैं माइक उमा दीदी को देता हूँ। खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम महिला मंडल, मासोद पंप हाउस के पास, पुराना बाईपास रोड मुलतई। सभी भक्तों से निवेदन है तन मन धन से सहयोग करें, बाबा के मंदिर पक पक पे बन रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की हारे के सहारे की। हमारे पास आखिरी 10 मिनट है, बिल्कुल आनंद ले। जय श्री श्याम। एक रामदेव जी का भजन गाना बनता है, क्योंकि यहाँ बाबा विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की। और ये बाबा रामदेव सेवा समिति है ना, ट्रस्ट का नाम क्या है? अच्छा चलिए आइए, खम्मा खम्मा हो जाए बाबा को, ऐसे बैठे बैठे नहीं नाचना, ऐसे भी नहीं कि सारे खड़े हो जाओ, ऐसे की पूरी मस्ती बाबा की आए। मालकुश खम्मा खम्मा ओ मारा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारा रूणी चेरा धनिया, ओ थाने तो मनावे सारो मारवाड़ रे, सारो गुजरात रे, रे अजमान जीरा गावे। जो जो रामदेव जी को मानते एक बार हाथ उठा के बताएं कितने प्रेमी रामदेव बाबा को मानने वाले, दोनों हाथों की ताली बजा के। खम्मा खम्मा ओ ¡Gracias!
लेकिन जितने रामदेव जी को मानने वाले कुर्सी में बाबू जी बैठे सामने ब्लू स्वेटर में, ब्लू स्वेटर में, हाँ आपको कह रही हूँ, आपने कहा मैं आई थी जब आप हॉस्पिटल में थे, बाबा की कृपा हुई ये मंदिर बना, आपने बड़ा परिश्रम किया, आ जाओ एक बार, आ जाइए आ जाइए। अरे हे रूनी चेरा चढ़िया आज बाज चेरा कम कम तो मेरे मेरे का लाल रानी रे तंगा बरसार मारो हे लो मारो हे जी जो कोई लेवे नाम फिर रो मचाया फल पावे जी